सारे हल्के के काम आए, सारे पूरे काम। कर लेंगे भाई, ये रैली है, बैठाओ उसको। बहुत ही आदर व सम्मान के योग तीन साल के बेहतरीन सफर का हिस्सा हमारे साथ पूरा करने वाले, हमें आशीर्वाद और दिशा निर्देश देने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, चौधरी अनंतराम तवर जी, पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सोम प्रकाश सरावत जी, गुजरात प्रदेश से आज हमारे बीच में आए हमारे अध्यक्ष बच्चन सिंह जी, मंच पर बैठे मंत्रिमंडल में मेरे साथी अनूप जी, बहुत ही आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, देवेंद्र बबली जी, जोगीराम सिहाग जी, श्रीमती नैना चौटाला जी, रामनिवास सुरजा खेड़ा जी, रामकरण जी, अमरजीत डांडा जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, मंच पर पार्टी के प्रदेश महासचिव, प्रधान महासचिव, मंच का संचालन कर रहे अजीज दिग्विजय सिंह जी, हमारे युवा इकाई के अध्यक्ष भाई रविंदर जी, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप जी, मंच पर बैठे तमाम पूर्व विधायकगण, पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों के संचालकगण, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के राष्ट्र तमाम मेंबरान और 22 के 22 जिलों से आए निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, मैं तो इतना कह सकता हूं कि झज्जर की इस भीड़ ने हकीकत दिखा दी, आपकी वफादारी ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी, वो चक्करव्यूह में फंसाकर मारना चाहते थे, आपने तीन साल में मेहनत कर इस जेजेपी को एक नई जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ा दी।
साथियों, ये 3 साल का सफर एक एक साथी जानता है कितना कठिन भी रहा, अच्छा भी रहा, मगर इस 3 साल ने जहां जिम्मेवारी के साथ साथ आपके संगठन को एक ताकत दी, मैं इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि चाहे जींद का उपचुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आज ये संगठन, आज ये पार्टी, आज ये मुकाम अगर किसी की बदौलत है तो आप जैसे एक एक निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत है। साथियों, ये 9 दिसंबर की तारीख बड़ा महत्व रखती है इस देश में। 9 दिसंबर 1946 को इस देश के संविधान बनाने का पहला कदम उठाया गया था, पहली बैठक पार्लियामेंट में करी गई थी और 9 दिसंबर 2018 को जींद की पावन धरा पर आप सबकी मेहनत से एक पौधा लगाया गया और उस पौधे का नाम जननायक जनता पार्टी था। और आज जब इस मंच से मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, ये भी सौभाग्य है कि 9 दिसंबर 2021 को एक इतिहास और रचा जा रहा है कि 380 दिन लंबा चला हुआ संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा ने आज समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि केंद्र के बनाए हुए उन तीनों कानूनों को, संविधान को समझते हुए, देखते हुए और उसकी ताकत को देखते हुए देश के आम नागरिक के मन को छूने लेने वाला फैसला किया और उन तीनों कानूनों को वापस किया। 1 साल कोई हमारे लिए भी आसान नहीं था। मुझे वो दिन भी याद है जब पहली बार किसी साथी के भतीजे के ब्याह में जाना था और फोन आया कि भाई साहब, कई लोग व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि पुलिस प्रबंध कर लेना। और ये निर्णय लेना पड़ा कि उस शादी में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी शादी भी खराब होगी और पुलिस की व्यवस्था से 4 चीजें और खराब होगी। साथियों, 1 साल में अनेकों बार ये प्रयास करे, हमारे विपक्ष के बैठे हुए लोगों ने भी प्रयास करे कि माहौल खराब हो, मगर मैं तो एक एक पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई दूंगा कि जिस सहनशीलता के साथ आपने काम किया संगठन में, कि आपने एक और पर संगठन का विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर किसानों की बात को समझते हुए अपने सब्र को भी पूरी तौर पर दिखाने का काम किया। कई साथी रुष्ट भी हुए कि आप फैसला करो, फैसला करो। साथियों, फैसला आपके हित का होना चाहिए था और आपके हित में हमने फैसला करने का काम किया।
कोविड के दौरान जब किसान की फसल खरीदी जाए फसल ना खरीदी जाए इसमें निर्णय लेने की बात आई तो गेहूं की 2000 मंडियां बनाकर एक एक दाना किसान का हमने उठाने का काम किया। किसान आंदोलन की मूवमेंट शुरू हुई, जीरी कैसे खरीदी जाएगी, पहले 200 मंडियां बनती थी, 400 मंडियां बनाकर उसकी भी खरीद पूरी तौर पर कराई गई। आज बहुत लोग कहते हैं कि एक साल में प्रदेश में बड़े बदलाव आए, मैं तो खुशी के साथ एक बदलाव कह सकता हूं। पहले किसान मंडी में जाता था, अनाज बेचता था, घर आता था, 15 दिन 20 दिन सीजन खत्म होने के बाद आढ़ती के पास जाने का मौका मिलता था, फिर हिसाब किताब लिखा जाता था, फिर महीना खत्म हो जाता था, उसके बाद हिसाब किया जाता था, कई बार तो पूरी फसल की पेमेंट किसान को 5 महीने 4 महीने तक नहीं मिलती थी। मगर पिछले 365 दिनों में, पिछले एक साल में यह हमारा प्रयास भी रहा और हमने कर भी दिखाया कि अगर किसान आज अनाज लेकर मंडी में आता है, जैसे उसका उठान होगा 72 घंटे के अंदर उसके पैसे उसके खाते में डालने का काम आपकी सरकार करे। और साथियों, अगर किस कारण वो 72 घंटे से समय ज्यादा हुआ तो भी आपकी सरकार का प्रयास रहा कि 9% ब्याज के साथ उस किसान की जेब में कुछ फालतू डाला जाए। साथियों, मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कांग्रेस में बैठे लोग बारी बारी एक प्रचार करते कि जेजेपी को बीजेपी के विरुद्ध में वोट डले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, झज्जर के लोग ज्यादा है, बुड्ढा साहब तो बारी बारी इलाका इलाका करते रहते हैं, मेरे को ये बता दो, संजय को, उपेंद्र को, नसीब को, बहादुरगढ़ वाले संजय को, इनको वोट के कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए दिए थे किसी ने? साथियों, आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी कि प्रदेश में आपका राज बने, प्रदेश की महिला को ताकत मिले, बुजुर्ग को सम्मान मिले, युवा को रोजगार मिले, इन तीन वादों के साथ आपने चुनावी मैदान में उतरने का काम किया। और खुशी होती है कि जहां बुजुर्गों के सम्मान की बात थी, मैं भी मानता हूं आज 5100 नहीं कर पाए, अभी तो 3 साल बाकी है साथियों, और यह प्रयास रुकेगा नहीं, मेरी लड़ाई लड़ती रहेगी। फाइनेंस विभाग से पूछ लेते हैं तो कहते हैं कोरोना आ गया, बजट डगमगा गया, हजारों बहाने आते हैं, मगर उसके बावजूद भी बुजुर्गों के सम्मान में 500 दिनों में 500 रुपए की बढ़ोतरी कराने का काम आपकी पार्टी ने किया। साथियों, जहां महिलाओं के सम्मान की बात है, मुझे याद है श्रीमती नैना चौटाला जी ने प्रदेश के प्रत्येक हलके में जाकर माताओं बहनों की समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को लाकर पार्टी मंच से आगे हमारे तक पहुंचाने का काम किया। बराबर हिस्सेदारी की बात करेगी और आपको बताते हुए खुशी होती है कि जब बराबर हिस्सेदारी की बात करेगी
तो प्रदेश में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में कानून पारित कर हर पंचायती राज, चाहे वो मेंबर की हो, सरपंच की हो, ब्लॉक समिति की हो, जिला परिषद की सीट हो, 50% हिस्सेदारी महिलाओं की रहे, उसका कानून हमने लाने का काम किया। साथियों, और तो और प्रदीप भाषण देता देता छात्रों की बात भूल गया। 1 सप्ताह 10 दिन पहले जो आपकी इंसो का और हमारी बहनों को किया हुआ श्रीमती नैना चौटाला जी का वादा था कि कॉलेज आने जाने के लिए बस में किराया नहीं लगेगा, आपकी सरकार ने नोटिफाई किया कि हर बेटी का 0 पास बनेगा। और मैं तो ये इंसो के साथी जो अभी बैंड बाजा बजाते हुए ब्याह की तरह आए, इनको कहना चाहूंगा, बैंड बाजा आज बजा लिया, अगला 1 महीना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, जो भी हमारी बहन आज कॉलेज जाती है उसका 0 पास बनाने का काम करो, उसको यह सुविधा के बारे में बताने का काम करो। और तो और साथियों, अगर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाला भी जो सरकार के परमिट रूट पर चलता है, अगर कोई सरकारी वाहन वाला भी अगर किसी युवा साथी को, हमारी बहन को बिठाने का काम नहीं करेगा, उसकी वीडियो बना, उसका परमिट कैंसिल कराने का काम मैं करूंगा। जब आपने ये अधिकार उनको दिया है तो मेरे आग्रह और अपील आपसे है कि उस सुविधा का पूरा उपयोग आप करने का काम करो। जहां साथियों रोजगार की बात आती है, एक बड़ा वादा, महत्वपूर्ण वादा, हरियाणा के भविष्य के लिए वादा हमने किया था और एक मुहिम चलाई थी प्रदेश भर में, जिनको ये वानर सेना 3 साल पहले किया जाता था, ये फौज हमारी बसों में, ट्रेन में, गांव में, सरकारी दफ्तरों में जाकर युवा साथियों से पूछा करती थी, नौकरी है नहीं है, नौकरी है नहीं है, बनेगा तो 75% नौकरियों में अधिकार देने का काम हम आपको करेंगे। बड़े लोगों ने विरोध किया, बड़ी मुश्किल हुई। मुझे याद है विधायक गण तो जानते हैं, जब विधानसभा में पेश किया तो विपक्ष में बैठा हर आदमी कहता था ये तो लॉलीपॉप है, कानून कैसे बन जाएगा। पहले तो उस कानून को कागज में छापने में दिक्कत हुई। अनूप जी मेरे साथ देख रहे थे, वो फाइल ऊपर आती नीचे जाती, ऊपर आती नीचे जाती, कोई ऑब्जेक्शन लग जाता, कोई परिभाषा मांग ली जाती। कई दिन की तपस्या के बाद जब कैबिनेट में फाइल गई तो एलआर ने पकड़ के बैठ ली, मुश्किल से जाके एलआर की ठीक करवाई तो फिर गवर्नर साहब लेके बैठ गए और उनके भी मन में किसी ने डाल दी गवर्नर साहब के, जी ये कानून तो जो लगे हुए हैं उनने काट देगा, उनको वापस भेज देगा दूसरे प्रदेशों में। फिर हमने जाके गवर्नर साहब को समझाया कि आने वाली नौकरियों में हिस्सेदारी की बात है तो ये इंडस्ट्री वाले साथी पीछे पड़ के बेरानी कल इंडस्ट्रियों पे तावड़ा लग जाएगा। मगर धीरे धीरे कर कई दिन रात की मेहनत हमारी उस लीगल टीम ने करी, जिनने आखिर काट कर गवर्नर साहब के साइन कराने का काम इस पे किया। और चौधरी देवीलाल जी का जब हमने स्टैचू मेवात की पावन धरा पर लगाया, उस दिन ये वादा किया था कि हम 15 नवंबर से इस कानून को फोर्स में लाने का काम करेंगे। 15 अक्टूबर से आचार संहिता लग गई इलाहाबाद की, अड़चन पे अड़चन, अड़चन पे अड़चन, मगर आखिरकार जाकर उस कानून को आप लोगों के लिए इन्फोर्स किया
और आगामी 15 जनवरी से ये जितनी हमारे आसपास फैक्ट्रियां देख रहे हो, वेयर हाउस देख रहे हो, यही है ही नहीं, 10 लोगों से ज्यादा नौकरी देने वाले हर उस इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई 4 नौकरी निकलेगी तो 3 नौकरी हरियाणा के छोरे छोरियों की होगी। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अपने हरियाणवी में कहावत है, तड़के का मैं और सांझ का बटेऊ, ये टड़ा नहीं करते। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जब बड़े चोए साहब ने, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन की बात करी थी, तो बुजुर्ग जानते हैं बंसीलाल जी, भजनलाल जी क्या करते थे, कानून बनता होता तो मैं बना देता, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, क्या करते थे, नहीं क्या करते थे, मगर कानून किसने बनाया, चौधरी देवीलाल जी ने। मुझे याद है जब 75% की बात हम करते थे तो लोग हमें कहा करते थे, बावड़ों का टोल है, छोरों का टोल है, और तो और वानर सेना तक कह दिया करते थे, मगर इस वानर सेना के जोश ने ही हरियाणा प्रदेश को 75% का अधिकार रोजगार में दिलवाने का काम किया। साथियों, और तो और इंडस्ट्री के साथ हमने बड़ी मशक्कत करी, और इंडस्ट्री के साथ मशक्कत के बाद कोविड के बावजूद आज देश भर में फैक्ट्रियां जाने की बात नहीं करती, फैक्ट्रियां हरियाणा प्रदेश की ओर आने की बात करती है। और खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि मारुति जो सोचती थी गुजरात जाने का, उसको हमने खरखोदा की पावन धरा में, ग्रामीण आंचल में 900 एकड़ जमीन में स्थापित करने के लिए मौका दिया। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कैमरे की बैटरी बनाने वाली कंपनी ATL कोई मेवात की तरफ जाने की बात नहीं करता था, रोज का मेहो की पावन धरा पर ले जाकर उनको भी वहां 200 एकड़ जमीन में स्थापित करने का मौका दिया। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ने मानेसर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा आज के दिन वेयर हाउस लगाने का निर्णय किया है। बिरला पेंट्स ने पेंट की फैक्ट्री नई हरियाणा में स्थापित हो, पानीपत में हमसे जमीन ली है। दुनिया में ई व्हीकल की ओर फोकस हो रहा है, देश के अंदर पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी अगर स्थापित होगी तो आपकी पलवल की धरा पर करने का हम काम करेंगे। और तो और 30,000 करोड़ से ज्यादा की इनकी लागत हमारे प्रदेश में निवेश के तौर पर आएगी, मगर उसके साथ साथ अगर बात करें साथियों, तो 30,000 करोड़ में हरियाणा प्रदेश के 60,000 से 70,000 नए युवाओं के हाथ में रोजगार देने का भी काम वो लोग करेंगे। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और मैंने पहले भी जब इस पार्टी को बनाते वक्त एक बात आप लोगों के बीच में रखी थी जींद की धरा से, कि ये पार्टी चलेगी चौधरी देवीलाल के विचारों से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के वफादारों से, युवाओं के जोशीले नारों से। और आज और बोलना चाहूंगा, और एक चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा, इसको सोच के आगे बढ़ना, वो क्षेत्र धर्म जात पात करेंगे हम उन्नति की बात करेंगे, वो गुंडागर्दी दिन रात करेंगे हम रोजगार की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में करेंगे। साथियों, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और पिछले 2 सालों में चाहे कृषि हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में हमने नए कदम उठाने का काम किया है। मैं तो एक चीज आपको बता सकता, इस प्रदेश में सिविल एविएशन, नागरिक उड़ान की कोई बात नहीं करता था, जहाज की कोई बात नहीं करता था, मगर उसको बदलने का सोच और कार्य आपकी सरकार ने किया, और मनोहर लाल जी के साथ बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने ऐसे ऐतिहासिक कदम इस प्रदेश में उठाए
कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिसार की धरा पर स्थापित करने का हम काम करेंगे। साथियों, हिक्का के नाम पे हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलता था जो पायलट को ट्रेन करता था, मगर उसकी कैपेसिटी वर्षों में किसी ने बढ़ाने का नाम नहीं किया। आपकी सरकार बनने के बाद आज 200 छात्र हिक्का में, पिंजौर और करनाल में आज जहाज उड़ाना सीख रहे हैं। और तो और, पिछले 6 महीने में महेंद्रगढ़ को तो पिछड़ा बोलते थे, भिवाणी में तो कोई जाना नहीं चाहता था। भिवाणी और महेंद्रगढ़ की एयर स्ट्रिप पर भी 100-100 बच्चों के 2 नए फ्लाइंग स्कूल कराने का काम हमने किया। और फ्लाइंग स्कूल ही नहीं, उन 200 पायलट जो बनेंगे, उन 200 के अंदर 50% सीट हरियाणा के छोरे छोरियों के लिए रिजर्व करवाने का काम किया। साथियों, 12वीं पास बच्चे को अब कॉकपिट में बैठने का मौका मिलेगा, जहाज उड़ाने का मौका मिलेगा। ये मौका उन छोरे छोरियों को मिलेगा जो गांव से आसमान छूने का दम रखते हैं। और ये मुमकिन जब ही हो पाएगा जब हम व्यवस्था बनाकर उन छोरे छोरियों को वो ताकत देने का काम करेंगे। और आज ये मैं बोलना चाहूंगा आपके बीच में, आज हमारे मेडिकल पे तो लोन मिल जाता है पढ़ाई के लिए कि MBBS डॉक्टर बनने जा रहा है, लोन दे दो। पायलट बनने के लिए लोन नहीं मिलता। ये वादा है, जल्द प्रदेश में पॉलिसी लाकर हर छोरे छोरी को उसी प्रकार से जैसे मेडिकल में लोन मिलता है, बॉन्ड मिलता है, हरियाणा प्रदेश में पायलट बनाने के लिए भी हम वो व्यवस्था देने का काम करेंगे। साथियों, आज सड़कों के विकास की बात देखी जाती है। मैं पिछले दिनों भिवाणी से बारडा होते हुए दादरी गया, सड़कों का सुधार हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने 2500 किलोमीटर सड़क लगभग 943 गांव को जोड़ती हुई चौड़ी करने का काम किया, सुधारने का काम किया। आज प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात आ रही है। आप नांगल चौधरी से उठाकर इस्माइलाबाद को, महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाता था 7 घंटे लगते थे, थोड़े दिनों में इसका शुभारंभ होगा। और आप 4.5 घंटे में नांगल चौधरी से चंडीगढ़ का सफर पूरा करने का काम करोगे। आज हरियाणा में सारे हाईवे नॉर्थ साउथ थे। ये हमने वादा किया था कि डवाली को पानीपत तक जोड़ने के लिए हरियाणा का पहला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हम बनाने का काम करेंगे। और तो और, कई बाईपास बड़े लंबे समय से पेंडिंग थे, चाहे वो पुनाणा का हो, ईश्वर सिंह जी बैठे हैं, चीका का हो, सोनीपत का हो, नारनौंद का हो, कोसली का हो, अथीन का हो, टुहाणा का हो, गुहाणा का हो, उचाणा का हो। और तो और, पिछले दिनों में यमुनानगर गया, बिलासपुर की हालत भी देखते हुए बड़ा दुख हुआ। आने वाले समय में चाहे कुरुक्षेत्र शहर का हो, चाहे वो बिलासपुर का हो, इन कार्यों को भी प्रगति के साथ हम जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। और तो और, अपने बिल्कुल यहाँ साथ से जाता हुआ KMP है, केंद्र सरकार के साथ हमने लगकर 5000 करोड़ की लागत से रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर यहाँ बनाने का निर्णय लिया है, जिससे सोनीपत से लेकर जो कुंडली बॉर्डर है वहां से लेकर रेल लाइन को पलवल के बॉर्डर तक KMP के साथ जोड़ा जाएगा। और साथियों, उसको जोड़ा नहीं जाएगा, उसमें एक और जुड़ाव आएगा कि हिसार एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट का सफर 2 घंटे से कम में हाई स्पीड ट्रेन लगाकर पूरा करवाने का काम भी हम करेंगे। साथियों, जहां नांगल चौधरी में इंटरग्रेटेड लॉजिस्टिक हब बन रहा है, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ी परियोजना के तहत ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक हब बनने का काम करेगा। मैं तो एक चीज और बोलना चाहूंगा, आज तक किसी प्रदेश ने गांव पे फोकस नहीं किया। शहरों के लिए तो स्कीम आ जाती है, अमृत आ गई, इससे पहले JNRM आ गई थी, मगर ये वादा करता हूं अगले 1 साल के अंदर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ताकत मिले, उसके लिए हरियाणा प्रदेश में पहला ऐसा आधुनिक केंद्र हम बनाने का काम करेंगे जो केवल मात्र ग्रामीण इंजीनियरिंग पे काम कर ग्रामीण विकास को बढ़ाने का काम करेगा।
मैं तो अंत में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि सफर हमारा अभी खत्म नहीं हुआ। 3 साल हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक को और ताकत मिले, आम नागरिक और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का काम करे, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि पार्टी के तौर पर मेहनत कर करे। मगर उसको मुमकिन करने के लिए साथियों गांव में शहर के वार्डों में मेहनत करने का किसी को काम करना पड़ेगा तो आप जैसे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को पड़ेगा। और आप इसी तरह काम करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि प्रदेश के अंदर आपका संगठन जैसे आज मजबूत हुआ है, इस प्रदेश ही नहीं फिर और प्रदेशों में विस्तारित कर कर एक विशाल परिवार विशाल संगठन बनने का काम करेगा। मैं तो पूर्ण आप सब आए आप सब का आभार प्रकट करता और यही अपील आपसे करूंगा कि आज से लगकर जो आदेश हमारे बीच में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी देकर जाए, एक एक साथी उस दिशा निर्देश के ऊपर पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ काम कर पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।